कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो संविधान से रिलेटेड हैं, आइए उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था? ऑप्शन एक है 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1952। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1946, क्रिप्स मिशन 1942। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन एक है 3 साल, बी में 2 साल, सी में 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन एक है 26 जुलाई 1946, ऑप्शन बी है 26 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 26 जुलाई 1948, डी में नन ऑफ दिज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन एक है 289, ऑप्शन बी है 369, ऑप्शन सी है 379, ऑप्शन डी है 389। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन एक है 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 542। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर पे, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है बी एन राव, डी है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है बी एन राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन एक है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी एन राव, ऑप्शन सी है सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कब बनाया गया था? ऑप्शन एक है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जे वी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ए नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम कानून किसने बनाया गया? प्रथम कानून किसे बनाया गया नहीं, किसने बनाया था? ऑप्शन एक है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है बी एन राव, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बारह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन एक है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जे वी कृपलानी, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी सचिदानंद सिन्हा। झंडा समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी जे बी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 13 नंबर पे, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चौदह नंबर पे, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए है नागरिकता को, बी है प्रस्तावना, सी है मौलिक अधिकार, डी है मौलिक कर्तव्य। संविधान की कुंजी ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना को कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? ऑप्शन एक है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 76वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक 42वां संविधान संशोधन 1976। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ऑप्शन एक है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? ऑप्शन एक है 26 नवंबर 1944, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1940, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1950। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी एन राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? इसका सही ऑप्शन है ए में 8, बी में 18, सी में 22, डी में 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन एक है 8, बी है 12, सी 18, डी 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन एक है 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर है आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 22 भाषाओं की संख्या है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? ऑप्शन एक है 5वां बड़ा भाग है, बी में 9वां सबसे बड़ा भाग है, सी में 18वां सबसे बड़ा भाग है, डी में 22वां सबसे बड़ा भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक 5वां, ऑप्शन नंबर एक 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर पे, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक है भाग एक को, ऑप्शन बी भाग तीन को,
ऑप्शन सी भाग 7 को, ऑप्शन डी भाग 9 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 24 नंबर पे। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन एक है भाग 1, बी में भाग 3, सी में भाग 5, डी में भाग 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 5। 25 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? ऑप्शन एक है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जापान। प्रथम लिखित संविधान ऑप्शन नंबर बी अमेरिका ने दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है या किस देश का है? ऑप्शन एक है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। 27 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद एक में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 28 नंबर पे। वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन एक है संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक संसद को प्राप्त है। 29 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन एक तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। 30 नंबर क्वेश्चन। गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? ऑप्शन एक है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 46वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 48वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन। 31 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? ऑप्शन एक है 1981, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1999। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1991। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन एक जनता में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक जनता में, और भारत का संविधान सर्वोच्च है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ऑप्शन एक है आयरलैंड से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी जर्मनी से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ऑप्शन एक है कनाडा से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी जर्मनी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से भारतीय संसदीय प्रणाली ली गई है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ए में रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार ऑप्शन बी अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन एक रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक रूस से। यह पॉलिटिकल साइंस का पार्ट वन था। पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।